गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पीस बिल्डिंग एंड पीस कीपिंग पर डिस्कस करूँगा। चैप्टर 7 विश्व में राष्ट्रीय संप्रभुता की अवधारणा से अत्यधिक लगाव एवं वैज्ञानिक तकनीकी आधारित युग में राष्ट्रों के मध्य निरंतर बढ़ती आर्थिक एवं सशस्त्रीकरण की होड यानी आर्म रेस के बीच साम्राज्यवादी तथा युद्ध प्रिय देश विश्व शांति के लिए निरंतर खतरा बने हुए हैं। वर्तमान शस्त्रीकरण की होड में परमाणु शक्ति संपन्न शक्तियों की विध्वंसकारी क्षमता निश्चित ही मानव अस्तित्व के लिए एक चुनौती है। इसलिए राष्ट्रों की बढ़ती ऐसी परलेकारी जो शक्ति को मर्यादित करना सुरक्षित शांतिपूर्ण उज्ज्वल भविष्य लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। इस प्रलयकारी शक्ति पर लगाम लगाना जरूरी लाजमी है, लगाना जरूरी है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत संभवतः राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित करने का सबसे प्रभावशाली साधन सामूहिक सुरक्षा है, जिसमें विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से संगठित होकर संभावित आक्रमण का विरोध करने के लिए तत्पर होते हैं। ग्रुप सिक्योरिटी सिस्टम सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जॉन सवरजेन बर्गर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण रोकने अथवा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए संयुक्त कार्यों का यंत्र बताया। जॉन सवरजेन बर्गर ने सामूहिक सुरक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि आक्रमण रोकने अथवा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए जो संयुक्त कार्यों का यंत्र है वही सामूहिक सुरक्षा है। वास्तव में एक सब के लिए और सब एक के लिए, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन सामूहिक सुरक्षा का नारा है। इस व्यवस्था में प्रत्येक देश को अपनी संप्रभुता को कुछ मर्यादित करना पड़ता है। व्यक्तिगत राष्ट्रीय संकल्प का सामूहिक निर्णय करने के लिए समर्पण कर दिया जाता है। सफल सामूहिक सुरक्षा में सैन्य एवं सशस्त्र बल पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत की पृष्ठभूमि में ये पूर्व अवधारणा विद्यमान रहती है कि उनकी संभावना सदा विद्यमान रहने वाली हैं तथा आक्रामक शक्तियों युद्ध करने से तभी रोका जा सकता है जब उनके विरुद्ध जबरदस्त शक्ति और विरोध का आतंक पैदा कर दिया जाए। एक शांति निर्माण की ये भी है सामूहिक सुरक्षा कि प्रलयकारी शक्ति को इकट्ठा होकर उसमें भय पैदा कर दिया जाए, मोटी भाषा में यही है। इस प्रकार युद्ध और निवारण के रूप में शक्ति, ये दोनों ही तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शांति निर्माण एवं शांति निर्माण के सशक्त साधन हो सकते हैं। युद्ध और निवारण, ये दोनों जो है ग्रुप सामूहिक सुरक्षा के पक्ष में ये कह रहा है कि ये बनता है और युद्ध को टाला भी जा सकता है प्रलयकारी शक्ति को भय दिखाकर अपने संगठन का। यह स्पष्ट है तो इस अध्याय में शांति निर्माण के रूप में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों के अंतर्गत विवेचना के साथ साथ सुरक्षा परिषद के द्वारा शांति निर्माण की भूमिका का भी उल्लेख करेंगे। पीस कीपिंग के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद की जो भूमिका रही है उस पर हम विवेचन करेंगे। यहाँ ये इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको, शांति निर्माण, सामूहिक सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी अंडर द UN चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रभावशाली साधन सामूहिक सुरक्षा है, जिसमें अलग अलग राष्ट्र सामूहिक रूप से संगठित होकर संभावित हमले का विरोध करने लिए तैयार रहते हैं। शक्ति संतुलन का लक्ष्य एक देश या कुछ देशों के गुट का विरोध करना, उन पर आक्रमण करना या उनके आक्रमण से अपनी रक्षा करना होता है। ये तीन लक्ष्यों को लेकर ये सामूहिक सुरक्षा भाव को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में विरोध अस्पष्ट एवं संभावित होता है। इस व्यवस्था को शांतिपूर्वक एवं शांतिवर्धन माना जाता है, वर्धक शांति को बढ़ावा मिलता है सामूहिक सुरक्षा से ही माना जाता है। इसके जो समर्थक वो कहते हैं सामूहिक सुरक्षा योजना से शांति का हलाश नहीं होता बल्कि शांति में वृद्धि होती है। केंद्रीकरण की दृष्टि से सामूहिक सुरक्षा के बीच की व्यवस्था है, इसमें शक्ति संतुलन से अधिक केंद्रीकृत प्रबंध होता है।
किंतु ये विश्व सरकार की मान्यता से कम होता है। संक्षेप में, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत में एक राष्ट्र की सुरक्षा को केवल उस राष्ट्र की सुरक्षा मानकर पूर्ण विश्व समाज की सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा समस्या माना जाता है, जिसके फलस्वरूप विश्व में शांति निर्माण और शांति निर्वहन संभव होता है। मैं सामूहिक सुरक्षा का अर्थ इसको डिफाइंड करूँगा और कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है देश के लिए की गई सामूहिक प्रयास। सभी देश अपनी सुरक्षा प्रयासों के प्रति जागरूक रहते हैं। अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अधीन सभी देश एकत्र हो जाते हैं तथा सभी देश संगठित होकर उस समस्या का समाधान करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सामूहिक सुरक्षा के निम्नलिखित परिभाषा दी हैं, जो मोर्गेंथो ने जो इसको डिफाइंड किया है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, यही सामूहिक सुरक्षा का मूल तत्व है। ये मोर्गेंथो की डेफिनेशन है सामूहिक सुरक्षा के बारे में। और इनिस एल क्लोड के अनुसार सामूहिक सुरक्षा शक्ति संतुलन और विश्व सरकार के बीच की व्यवस्था है। जॉन सौर जेन बर्गर जो कह रहे हैं, उनके अनुसार सामूहिक सुरक्षा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध किसी आक्रमण को रोकने अथवा प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का यंत्र है। अर्नेस्ट ए ग्रोस के अनुसार सामूहिक सुरक्षा की विरोधी है असुरक्षा, परंतु देशों द्वारा मिलकर किया गया कार्य सामूहिक सुरक्षा नहीं माना जा सकता। और जो शेलिचर की परिभाषा है कि शब्दों में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में एक आक्रमण अगर देश के विरुद्ध अन्य समस्त देश मिलकर शांति स्थापना करने के लिए अपना योगदान देते हैं, इसका जो मुख्य मंतव्य जो उद्देश्य है वो देशों को युद्ध से बचाना है और इसके असफल होने पर आक्रमणकारी का सामूहिक विरोध करना है। सामूहिक सुरक्षा की सफलता के लिए सदस्य देशों में पारस्परिक विश्वास, उनमें शक्ति का ठीक आवंटन होना आवश्यक है। मोटे शब्दों में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के समर्थक कहते हैं कि हमारा लक्ष्य संगठित होकर किसी पर हमला नहीं करना है, पर हमलाकारी आक्रमणकारी शक्ति का डटकर मुकाबला करना है, ताकि वो अपने से कमजोर या इतर समझ रहे राष्ट्रों कम शक्तिशाली राष्ट्रों पर हमला करने का साहस न जुटा पाए। पलानो तारेगास के अनुसार सामूहिक सुरक्षा राज्य के किस समुदाय के आपसी संबंधों का कुलक है, शैट है, जिसमें सभी सदस्य राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं। पामर एम परकिंस का विचार है सामूहिक सुरक्षा का स्पष्ट अर्थ है शांति खतरों से निपटने के लिए सामूहिक उपाय करना। और चार्ल्स बी मार्शल के अनुसार सामूहिक सुरक्षा एक व्यापक धारणा है जिसके अनुसार सभी राष्ट्र ऐसे अस्पष्ट से बंधन बंधे रहते हैं कि वे किसी भी अनभिज्ञता राज्य द्वारा पैदा की गई परिकल्पनात्मक घटनाओं के उत्तर में अनिर्दिष्ट कार्य करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। जैकब एम एयरटन का विचार है सामूहिक सुरक्षा का विचार का सारांश ये है कि राज्यों के बीच एक पारस्परिक आश्वासन समझौता है, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे सभी राष्ट्रों को सुरक्षा गारंटी देता है और शायद इसी गारंटी वजह से दूसरे राष्ट्रों द्वारा के वादों द्वारा उसे अपनी सुरक्षा गारंटी मिलती है। एक यानी वो भी कहता है कि आप पर संकट के समय आपके साथ है, यानी एक दूसरे को सभी ये आश्वासन देते हैं कि हम मिलकर खतरे से लड़ेंगे, अपनी शक्ति में इजाफा करते हैं, कहना मोटे शब्दों में ये है। क्लोड ने सामूहिक सुरक्षा को शक्ति संतुलन विश्व सरकार के समान शक्ति प्रतिबंध का एक रूप माना है। उनके शब्दों में सामूहिक सुरक्षा शक्ति संतुलन विश्व राज्य के बीच की परिस्थिति है कि उसमें शक्ति पर नियंत्रण इतना कम भी नहीं होता जितने शक्ति संतुलन की धारणा में, और न ही इतना अधिक होता है जितना विश्व राज्य की धारणा में है। अतः सामूहिक सुरक्षा की समस्या किसी अकेले एक राष्ट्र की न होकर सभी देशों की समस्या समझाती है। इस सामूहिक सुरक्षा के अंदर सभी राष्ट्र आपस में इन्हें इकट्ठे होते हैं और उनमें परस्पर मेलजोल की भावना में वृद्धि होती है। वस्तुतः सामूहिक सुरक्षा वगैरह है किसी एक राज्य पर किया गया हमला सभी राज्यों पर किया गया हमला माना जाएगा, सभी सदस्य जिस संगठन के सदस्य उन पर माना जाएगा, किसी राष्ट्र विशेष सुरक्षा के लिए उसी राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं बल्कि वो सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता विषय है। यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से बाकी सब राष्ट्रीय कार्रवाई करेंगे। हमलावर के अलावा
और अन्य राष्ट्रों की सहयोग सामूहिक सुरक्षा का फल है। इसी संदर्भ में ये संभावना है कि सहयोग के कारण हमलावर हमला करने का विचार भी त्याग सकता है। वो कहते हैं जब ये लगेगा कि सामने का ग्रुप उससे शक्तिशाली है तो शायद वो हमला करने का साहस ही नहीं जुटा पाए। तो सामूहिक सुरक्षा भावना नीचे एक सामाजिक स्तर ग्राम इकाई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी आवश्यकता है और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक परंतु सकारात्मक रूप में, नकारात्मक किसी पर संगठित हमला करने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए, चाहे राष्ट्रीय इकट्ठे हों, चाहे मानव इकट्ठे हों, चाहे समाज इकट्ठे हों, आत्मरक्षा के लिए इस तरह धारणा फलदायी होती है, फलकारी होती है। धन्यवाद।